आज हम एक ऐसे स्टॉक की बात करेंगे जिसका नाम है नेशनल एल्युमिनियम नालको। पीएसयू कंपनी है और इसमें एक बहुत बड़ी न्यूज़ अभी 1 मार्च को अपडेट हुई है कि ये 4.5 रुपये पर शेयर का डिविडेंड देने वाली है। इसकी रिकॉर्डिंग डेट और अनाउंसमेंट हो चुकी है, तो मैं आपको न्यूज़ पढ़ के बताऊंगा। उसके पहले कुछ बेसिक्स हम स्टॉक के बारे में जान लें कि क्या हमें इसमें बाइंग करनी चाहिए या फिर जिसके पास हैं उनको क्या करना चाहिए, इसके रिटर्न कैसे हैं, आइए हम देखते हैं, एक नज़र मारते हैं। देखिए, एल्युमिनियम से रिलेटेड इंडस्ट्री है, 10,000 करोड़ की मिड कैप कंपनी है। पी है इसका 5 का और इंडस्ट्री पी है 9 का। डिविडेंड यील्ड 1.93%, डेब्ट इक्विटी इज़ वेरी लो, रिटर्न ऑन इक्विटी 14.71% है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.87, नेट सेल्स में डाउन साइड दिखा रहा है और नेट प्रॉफिट में भी नेगेटिव में दिखा रहा है। सॉरी, क्वालिटी, गुड क्वालिटी कंपनी है। मैनेजमेंट रिस्क और ग्रोथ और कैपिटल स्ट्रक्चर एज पर और वेरी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे स्टॉक है और आरओई है इसका 14.71%, आरओसी है 28.56%। पी तो आप देख ही चुके हैं और देखिए यहाँ पे 150 के नीचे में जितने भी मिल रहा है वो वेरी अट्रैक्टिव पे है। तो अभी इसका भाव आज का जो है, आज देखिए मार्केट बंद है, आज है 3 तारीख, 3 मार्च, जिस समय हम वीडियो बना रहे हैं, और संडे है, और जो क्लोजिंग इसकी लास्ट फ्राइडे को थी 53 रुपये 65 पैसे थी। तो इसमें काफ़ी आगे खबरें हैं जो मैं आपको बताता चलता हूँ। फाइनेंशियल ट्रेंड देखिए पॉजिटिव है और स्कोर इज़ 10। रिटर्न देख लेते हैं, 10 साल में 3% का रिटर्न है, बहुत ही बुरा। देखिए सेंसेक्स ने दिया है 293% का रिटर्न, सेंसेक्स ने, और 5 साल में इसका 63% है, ये भी अच्छा नहीं है, और 4 साल में भी 13% है, और 3 साल में 63% है, ये भी ठीक नहीं है, और 2 साल से नेगेटिव में है, और 1 साल में भी नेगेटिव, ईयर टिल डेट जनवरी से भी 18% के नेगेटिव में, 6 मंथ में 28% के नेगेटिव, और 3 मंथ्स में 20% के नेगेटिव, 1 मंथ में 9% के नेगेटिव, 1 वीक में 10% की बढ़त, और 1 दिन में 6.13% की बढ़त, जो कि यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है ना। बाकी जिनके रिजल्ट्स ख़राब आए हैं तो उस हिसाब से यहाँ पे भी देखिए बुरे काफ़ी मार पड़ी है इन पे। अब हम चलते हैं फाइनेंशियल पे। देखिए सितंबर 18, सितंबर दिसंबर सॉरी दिसंबर 18 तक क्वार्टर में 10% की नेगेटिव में नेट सेल्स है, नेट प्रॉफिट में भी 40% की नेगेटिव है करीब करीब, और मार्जिन में भी इनके करीब 9.25% की नेगेटिव रिटर्न्स हैं, तो जो कि बहुत ही ख़राब है। एनीवेज आइए चलते हैं प्रमोटर्स की। देखिए प्रमोटर्स जो हैं इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, 0.18% इंक्रीज़ किया है सितंबर 18 के से दिसंबर 18 के मुकाबले, है ना। और एक भी शेयर इनका गिरवी नहीं है, और म्यूचुअल फंड की 33 स्कीम्स ने इसमें 10% करीब 10.9% की होल्डिंग बना रखी, और FIIs ने हेल्ड बाई 218 FIIs 11.1% की होल्डिंग है, और दोनों ने जो है अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ की हुई है, देखिए प्रमोटर्स ने भी और FIIs ने भी। हालांकि म्यूचुअल फंड वाले ने थोड़ी सी घटाई है, देखिए यहाँ पे जहाँ 12.98% था वहाँ पे 10.9% ही रह गए, 2% के लगभग घटाई है। और हाईएस्ट प्रमोटर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया महामहिम साहब है ना, और इंडिविजुअल जो इन्वेस्टर साहब हैं वो इंडिविजुअल जो इन्वेस्टर्स हैं होल्डिंग्स है वो 6.51% की है, जो कि ठीक है, कुछ लोगों ने ले रखा है। एल्युमिनियम से रिलेटेड है, पीएसयू कंपनी है, 1981 से काम कर रही है और डिविडेंड देती है 1 रुपये का, लास्ट टाइम 30 अगस्त 2018 को इन्होंने पर शेयर दिया था, और बाकी तो हम बता ही चुके हैं। एल्युमिनियम में सेकेंड इंडस्ट्री है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1981 एज अ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट्स एशियाज लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड एल्युमिनियम कॉम्प्लेक्स इन कंपासिंग बॉक्साइट माइनिंग, अलूमिना सॉरी रिफाइनिंग, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग एंड कास्टिंग, पावर जनरेशन, रेल एंड पोर्ट ऑपरेशंस। कमीशन ड्यूरिंग 1985-87, नालको हैज़ इमर्ज टू बी अ स्टार परफॉर्मर इन प्रोडक्शन एक्सपोर्ट ऑफ अलूमिना एंड एल्युमिनियम एंड मोर सिग्निफिकेंटली इन प्रोपेलिंग सेल्फ सस्टेन ग्रोथ।
अब हम चलेंगे न्यूज़ पे कि हम असली मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि रिटर्न इसमें देखिए 10 सालों में बिल्कुल भी अच्छे नहीं मिले। मैं आपको बता दूं, मैं खुश नहीं हूं और आप भी खुश नहीं हैं। नालको डिक्लेयर्स इंटरिम डिविडेंड ऑफ आर एस 4.50 पर शेयर, 4.50 रुपये का। ये न्यूज़ है 1 मार्च 11:50 की। द बोर्ड डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैव अप्रूव पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड एट द रेट ऑफ RS 4.50 पर शेयर ऑन द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 932.81 crore फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 नालको सेड इन इरेगुलरिटी फिलिंग। तो डिविडेंड बहुत ही ज़बरदस्त है, डिविडेंड बहुत ही ज़बरदस्त। जिनके पास 1,000 शेयर हैं उनको तो 5,000 करीब 4,500 तो डिविडेंड ही उनको मिल रहा है। मतलब अगर हम देखा जाए तो इसका जो भाव चल रहा है 53 रुपये, अगर जिसके पास मतलब FD से भी ज़्यादा का रिटर्न मिल रहा है इसमें, है ना, जो डिविडेंड है तो ज़बरदस्त डिविडेंड है। तो भैया जिनके पास है वो तो अभी होल्ड बना के रहे, क्योंकि अपने हाई से काफ़ी नीचे है इसका जो, आइए हम हाई भी देख लेते हैं क्या था, है ना, क्योंकि जिससे 52 वीक हाई है 90 रुपये और लो गया था 46 का और आज का भाव चल रहा है 53.65 का, तो काफ़ी अपने हाई से नीचे है। चूँकि इसके रिजल्ट से बहुत ख़राब आए थे तो और टूटा, अभी काफ़ी मार पड़ी, तो अभी इसने डिविडेंड अनाउंस किया है और काफ़ी अच्छा डिविडेंड है। तो जिनके पास है वो कृपया बने रहें और डिविडेंड का लाभ लें। और मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे, चूँकि इसमें अभी जब आने वाले समय में इलेक्ट्रिक बैटरीज, इलेक्ट्रिक कार्स चलेंगे, तो बैटरीज की डिमांड होगी, तो इनके पास जो फार्मूला है बैटरीज का, जो पावर बढ़ाने का, मैं आगे चल के एग्जैक्टली बताऊंगा कि क्या था वो पर्टिकुलर जो इनको फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इंडिया में सबको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, तो चैनल यही रहेगा। तो इस पर इस कंपनी को काफ़ी लाभ होगा और ये मुझे लगता है, जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जैसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो 53 रुपये का ये भाव है ये 100 पार कर जाना चाहिए, 1 से 2 साल के अंदर 100 रुपये पहुँचना चाहिए, अपना हाई तो तोड़ना चाहिए, ऐसा मैं बुलिश हूँ। बाकी आप लोग भी अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह मशवरा कर सकते हैं, ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, है ना। तो दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने कुछ बेसिक चीज़ें इसके बारे में बताई हैं और इसके डिविडेंड के बारे में बताया है, और आशा है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर कोई क्वेरीज हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या कुछ मुझसे गलत हुआ हो तो आप करेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हम फ्लो में एक चार्ट देखते हैं तो कभी कभी कुछ चीज़ें मिस कर जाते हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, आने वाले टाइम में हम अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच।